वो सोते हुए भैया के साथ कोई अपना संबंध महसूस कर नहीं रहा है, किसी को लग नहीं रहा है कि अपना ही है। नमस्कार। हाँ जी, चले बताइए। ब्रेक के पहले जितनी सारी बात हुई, मुख्य रूप से आज फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, जीवन और शरीर अलग अलग है उसको समझने में गया। बहुत सारी बातें हमने की, तो ये क्लैरिटी हमारी बन रही है कि शरीर को चलाने वाली चीज़ ब्रेन ही है, लेकिन जिन सभी मामलों में किन्हीं मान्यताओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है, वो मान्यताएं जीवन में हैं या समझ जीवन में है, और मन के थ्रू ब्रेन से शरीर संचालित होता है, ऐसी बात हमने की। इसमें कुछ और आपको कहना है, कोई और प्रश्न है, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। भैया हाँ, कहाँ हो? हाँ भैया, धैर्य और बुद्धि के अलग अलग है, है? भैया मुझे समझ में आया कि धैर्य और बुद्धि अलग अलग है। धैर्य और बुद्धि अलग अलग है। धैर्य और बुद्धि अलग अलग, क्योंकि जब हमें बुद्धि को, हमें धैर्य को ही कमांड देगा, या फिर धैर्य कुछ हमारा होगा तभी हमारी बुद्धि काम करेगी। धैर्य होगा तो बुद्धि काम करेगी, बुद्धि होगी तो धैर्य काम करेगा। बुद्धि होगी तो बुद्धि होगी तो धैर्य होगा, कि धैर्य होगा तो बुद्धि होगी? बुद्धि होगी तो धैर्य होगा। हाँ, आपको पता है कि मैंने गेहूं का पौधा बोया है, गेहूं की फसल लगाई है, तो वो एक महीने में आ जाए ऐसा मैं नहीं करूँगा, और 10 साल नहीं आएगी ऐसा भी नहीं सोचूंगा। तो बेसिकली क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है और क्लैरिटी ही धैर्य है। जिस चीज़ की प्रक्रिया का हमको पता होता है तो धैर्य बना ही रहता है। कोई चीज़ की प्रक्रिया का पता नहीं होता है इसलिए हम अधीर होते हैं, है ना? कोई तो माँ बाप ऐसा नहीं सोचते 4 साल हो गया है कमाने लायक नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं सोचते। 18 साल इंतजार ही करते हैं, 20 साल इंतजार ही करते हैं। तो क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है, और क्लैरिटी होने से, स्पष्टता होने से हमको प्रक्रिया समझ में आती है, प्रक्रिया समझ में आती है तो धैर्य बना ही रहता। हाँ जी, बढ़िया। तो देखो, ये सब बात हम सोचने लगे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है कि ये सब चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान जाने लगा है। हाँ जी, और बोलिए। ब्रेक के पहले जो कुछ किया उसकी कुछ पेमेंट कुछ नहीं है, पचा के डकार मार गए, है ना? पेमेंट कुछ नहीं। भैया ये वाला बहुत बढ़िया लगा कि जो बच्चे हैं उनमें भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता नहीं है, क्योंकि वो पूरे खाली हैं। खाली मतलब प्योर हैं, ऐसा। और हम लोगों ने मेहनत करके कमाया है, और हमने बहुत मेहनत करके दुख पाया है, और अभी भी प्रयासरत हैं उस दुख के लिए। तो अपने अंदर भी वो जांचने को मिलता है, और जब हम हमारी गलती बच्चों में बांटते हैं, जो हमारे अंदर गलत है वो देखते हैं, गैप उन तक लौटाते हैं, तो खुद का गैप और अभी दिखाई देता है। बढ़िया। तो जैसे क्लास में भी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो जो पहले विद्या के माध्यम से जो होता था, तो पहले ऐसा लगता है कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो और ये बहुत ख़राब है, या ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ये नालायक है, ऐसी मतलब दृष्टि थी पहले। लेकिन अभी जो दृष्टि हुई, अभी ऐसा लगता है कि सभी एक समान है, और मुझे अपने में बदलाव करना है ताकि मैं अपनी योग्यता बढ़ा सकूं, ऐसा लगता है। बहुत बड़ी सुखद। हाँ जी, और
और बोलिए। बोलो 78 नंबर सो गया था कहाँ कब? पौने 12 बजे। बहुत अच्छा काम। हाँ जी और कुछ सर? एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ कहाँ गई आपके पड़ोसन? हाँ जी सर, जैसे हम बिजनेस करते हैं, जैसे गोलगप्पे वाले ही हैं, थोड़ा माइक पास में रखिए, तो ना वो अपना गोलगप्पे का जो पानी का सीक्रेट्स किसी को बताता नहीं है। फिर से बोलिए। कहते हूँ कि दो जने ना बिजनेस करते हैं, दो लोग बिजनेस करते हैं, हाँ, तो वो अपने सीक्रेट्स एक दूसरे को शेयर नहीं करते। लाइफ में लोग अपने सीक्रेट्स क्यों नहीं शेयर करते बिजनेस के अंदर? तो उनको किस चीज़ का डर बना रहता है? समानता क्यों नहीं रहती सर उस जगह पे? इसलिए आप तो खुद ही बता रहे हैं। अब कोई चीज़ का डर बना रहता है, मैं कैसे शेयर करूँगा? हम तो आप पूछ नहीं रहे तब भी इतना सारा बताते हैं। ऐसे लगता है अब तो सभा तृप्त हो गई, अब जरूरत ही नहीं है। और तो जब भी हम कोई चीज़ को लेके इनसिक्योर होते हैं, हम भयभीत होते हैं, हम उसको संग्रह करते हैं। तो जो चीज़ को मैं इकट्ठा करना चाहूँगा उसको दूसरे को कैसे बांटूँगा? मेरे पास ही कम है, मैं आपको बता दूंगा तो मेरा क्या होगा? जैसे कमाई का साधन उसका वो एक गोलगप्पे वाला। हाँ मतलब हमको लगता है कि भी हमारी कमाई कम हो जाएगी। यदि हमको अपने में स्वयं में विश्वास है, अपनी आवश्यकताओं की पहचान है, तो फिर दूसरे का जीना भी मेरी कमाई हो जाता है। बात पहुंची? नहीं पहुंची। फिर से बोलता हूँ, यदि हमको स्वयं के प्रति विश्वास है, जीने की समझ है, तो फिर समझ में आता है कि जीने देना ही जीना है। तो दूसरे के जीने में सहयोगी होना मेरे को अपनी सफलता नजर आता है। जैसा कि जिंदा रहने के धरातल पर दूसरों का ना होना बराबर मेरा होना, और जीने के धरातल पर दूसरों का होना बराबर मेरा होना। तो दूसरे जी पाएँ, दूसरे आगे बढ़ पाएँ, इससे मेरे को खुशी होती है, क्योंकि मेरे को अपने पीछे रह जाने का भय नहीं होता है। अपने बच्चे के साथ दौड़ लगाते हैं तो हार के खुश होते हैं कि जीत के खुश होते हैं? हार के खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हारने का भय नहीं है, और वो जीत जाए, वो आगे बढ़ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो जहाँ हारने का डर है, वहाँ हम हार को स्वीकार कहाँ करेंगे? माइक भैया। हाँ जी सर, उसका पेट भरने का तो वही चीज़ है ना। अगर पेट किसी का खाली थोड़ी हो जाएगा। जिस मार्केट में जूते की एक दुकान है, ज्वेलरी की एक दुकान है, वहाँ 50 दुकान भी हो जाती हैं, तो मार्केट वहाँ मार्केट ही क्रिएट हो जाता है। सारे ग्राहक ही वहीं पहुँचते हैं। एक दुकान रहती है कम लोग आते हैं, 10 दुकान रहती है ज़्यादा लोग आते हैं। होलसेल मार्केट जहाँ भी हैं, लाइन से एक ही टाइप की दुकान पूरी मार्केट एक ही है, वहाँ कहाँ ग्राहक की कमी रहती है? तो ग्राहक की कमी हमारी मानसिकता में, इनसिक्योरिटी हमारी मानसिकता में है। मेरे को यही पता नहीं है कि मेरी आवश्यकता कितनी है, तो वहाँ प्रॉब्लम। तो मानसिक गरीबी से मुक्त हुए बिना ना हम अच्छा बिजनेस करेंगे, ना हम अच्छा फैमिली चलाएंगे, ना हम अच्छी ज़िंदगी चलाएंगे। ये डरा हुआ आदमी सब जगह परेशान रहेगा, और ये दुक्का CNF एजेंट है। ओह थैंक यू। तुम ही देखो। हेलो हेलो। हाँ जी भैया, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बताया कि जीवन जो है हमारे शरीर के साथ साथ चलता है, तो जीवन का भी क्या शरीर बढ़ता है और उसमें भी क्या वृद्धावस्था यौवनावस्था आती है जैसे हमारे शरीर में आती है? देखो ये तो आपको पता ही है कि कोई बुढ़ापा जैसी चीज़, ये सारी चीज़ें बेसिकली जड़ चीज़ का फिनोमेना है। जीवन का इतना ही है कि जिस शरीर को चलाता है उसके आकार में होता है, उसके स्वरूप में होता है।
बच्चा शरीर को चलाएगा तो जीवन पुंज बच्चे के जैसा होगा, आकार बच्चे का आकार बढ़ेगा, जीवन पुंज का आकार भी बढ़ेगा, है ना। पर ये जीवन तो फिर तो जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, फिर तो जीवन ऊपर चला गया, फिर जीवन में ऊपर ऊपर कहीं नहीं जाता, इधर ही रहता है। पर जीवन में की भी मतलब एक आयु हो गई ना फिर तो। जीवन का आयु नहीं है, आयु शरीर का होता है, शरीर मरता है, जीवन देख लेता है भाई नहीं चल रहा है अब क्या करेगा, नहीं चल रहा है तो आगे चल जाता। इसलिए भारतीय परंपरा में जो शव को जलाने की परंपरा है उसका मूल मुद्दा भी इतना ही है कि जीवन देख ले कि भाई शरीर जल गया है, उससे कोई मोह ना रखे, अब आगे बढ़े, है ना। ये थोड़ी बात क्लियर नहीं बैठ रही थी, शरीर बड़ा और जब बच्चा होता है उसका शरीर बढ़ता है तो जीवन भी आगे उसकी उम्र भी तो फिर बढ़ता ही है ना। उम्र नहीं बढ़ती है, अरे उम्र उम्र किसकी बढ़ती है सर, शरीर भी का साइज भी तो बढ़ रहा है ना, जैसे बचपन से अभी लेके अपने साइज जीवन का भी बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुंज आकार जिस आकार का शरीर होगा उस आकार में ही रहेगा, ठीक है। हाथी का शरीर चलाएगा तो हाथी के आकार में ही होगा, ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन जब आयु का सवाल आता है तो आयु बेसिकली उसकी बढ़े जिसकी जन्म हो जिसका मृत्यु हो जी। अब जिसका ना जिसका कोई मृत्यु ही नहीं है, जो शाश्वत है, अब उसमें क्या आयु बढ़ेगा, ठीक है, वो तो है और है खत्म। तो इसका मतलब तो जीवन की ना तो कोई वो साइज तो है पर उसका कोई वो नहीं है। हाँ, उसका कोई मृत्यु नहीं है क्योंकि वो अमर है, क्योंकि उसमें निरंतर सारी क्रियाएं निरंतर हैं, उसको भी समझ सकते हैं कि वो अमर क्यों है, भारहीन कैसे है, सारी बातों को समझ सकते हैं जी। लेकिन उसका कोई अभी भी आप देख लो कि जब आप खुश रहते हो आपको नहीं पता चलता कितने घंटे निकल गए, जी। परेशान होते हो तो एक एक पल आपको गिनते हैं, और शरीर की आयु बढ़ी है ये हमको कहाँ पता चल रहा है, कोई अंकल बोलता है तभी पता चलता है जी ना। कल की तमाम जो 20 साल पहले घटी घटनाएं ऐसा लगता है कल की बात है जी। तो जीवन में आयु नहीं है, आयु शरीर का फिनोमेना है, हमको टाइम समझना होगा कि टाइम क्या चीज़ है जी। चलो एक बढ़िया चर्चा कर देता जी, जी। आप भी क्या याद रखो, थैंक यू सर। बोर्ड साफ सर जी। सर एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके बुक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सर, उसमें ये लिखा है, वो बताता है कि जो बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस होते हैं, जो बिजनेस होते हैं उनकी एक कोर कॉम्पिटेंसीज होती है, जो मीन्स उस बिजनेस को अलग दूसरे बिजनेस से अलग रखती है ताकि वो कॉम्पीट कर सके बिजनेस वर्ल्ड में। तो सर अगर ये है कि दूसरों का होना ही मेरा होना है, इसको ही सुख कहते हैं, तो सर फिर जो बिजनेस मैनेजमेंट की जो बुक्स है, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट से बिजनेस वर्ल्ड है सर, फिर तो वो कहाँ रहेगा सर, उनका अस्तित्व कहाँ रहेगा सर फिर उनका बिजनेस वर्ल्ड का। आदमी के लिए बिजनेस है कि बिजनेस के लिए आदमी? सर आदमी के लिए बिजनेस है सर। बस तो अभी आदमी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आदमी समझ में आया सर। जब शिविर शुरू किए थे तो क्या समझ में आया? जिंदा रहना ही जीना नहीं है जी। और कितने प्रतिशत लोग ये मान के जी रहे हैं कि जिंदा रहना ही जीना है? सर लगभग सभी यही मान। तो जिंद तो आप मानव समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। तो बिना समझे बुक लिखेंगे तो ठीक लिखेंगे गलत लिखेंगे? गलत ही लिखेंगे। गलत ही है तो सर अगर सर, सर क्या उसमें सर क्या करेंगे बताओ? एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे कोको कोला है सर, वो अगर अपनी रेसिपी वो मार्केट में रख देगा तो सर फिर वो कैसे सर्वाइव करेगा? देखो ये सारी थॉट वहाँ से आती है जब मेरे को ये तय करना है कि पूरी जमाने की दौलत मेरे ही घर में आके जमा होनी है। जब आपको लगता है कि सारे जमाने की समझ मेरे घर में आके जमा होनी है, कंकड़ पत्थर इकट्ठे आदमी नहीं करेगा। आदमी बहुत महंगा सौदा कर रहा है, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है ना, सारी ज़िंदगी चली गई बेगारी में। तो इसका मतलब है अभी हमको एक ही सपना समझ में आता है कि कंपनी का साइज़ बढ़ाना है। कंपनी का साइज़ बढ़ाना है कि आपके भीतर खुशियों का साइज़ बढ़ाना है? जितनी कंपनी बढ़नी होगी बढ़ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन आदमियत का साइज़ घटा के, इंसानियत का साइज़ बढ़ा के, कंपनी का साइज़ बढ़ाना है, कुल मिला के एंड द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। दूसरों को बताने के लिए टर्नओवर काम आता है, कितना टर्नओवर होने से आपके भीतर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता नहीं रहेगा? कितना टर्नओवर होने से आपकी बीवी के साथ आपके रिलेशन ठीक रहेंगे? ठीक है, टर्नओवर काम नहीं आ रहा है जी सर। तो जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि टर्नओवर के लिए ज़िंदगी है, कि ज़िंदगी के लिए टर्नओवर है, मेरे लिए मकान है कि मैं मकान के लिए हूँ, जॉब मेरे लिए है, संविधान मानवता के लिए है कि मानवता संविधान के लिए है, ठीक है, सब चीज़ें बदलेंगी। अभी पूरे संविधान में मानव नहीं है,
शिक्षा में मानव नहीं है, व्यापार में मानव नहीं है, घर में मानव नहीं है, बाहर कहाँ से मिलेगा? अपन जिन्होंने पैदा किया हमको उनको मानव की समझ नहीं है तो बाहर दुनिया में और कहाँ मिलेगा, किससे उम्मीद करोगे? ठीक है, तो ये हमको पहले ये तय करना है कि कंपनी मानवता के लिए है कि मानवता कंपनी के लिए है ना? ऐसा पहले तय करना पड़ेगा कि कौन किसके लिए है। जब पर्पज ही तय नहीं हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, दुनिया भर के कितने सारा जुगाड़ नहीं है। टाइम इज मनी, करते रहो टाइम इज मनी, सारी जिंदगी निकल गई, पैसा खूब है, जिंदगी हाथ में नहीं है। दिल्ली में तमाम अच्छी कॉलोनियों में चले जाओ, बेचारे बुजुर्ग लोग रहते हैं उनकी हालत देखो कैसी है, और पैसे कोठी इतनी बड़ी है पूछो नहीं, नौकर निपटा देते हैं उनको, है ना? तो जिस तरह से पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को हिप्नोटाइज किया गया है, या वो जिनके द्वारा हिप्नोटाइज होते हैं, है ना, उनको कम से कम हमको ये सब सोचने की आवश्यकता है। देखो मेरे को तो पता नहीं कोई तो सद्बुद्धि आई थी, है ना, मेरे को कॉलेज से निकलने के बाद में एयरफोर्स का एक ऐसा था कि चलो एयरफोर्स में जाना है, फाइटर पायलट होना है, कुछ कुछ ऐसा जुनून चढ़ा था। तो संयोग से एक बार मेरे मन में जो बनने का आता था वो मैं जो पहले लोग बने हुए उनसे आके बात कर लेता था। तो मैं एयरफोर्स की बेस में गया एक बार और उन लोगों से बात किया, तो वो लोग बोले कि रोज़ यही सोचते हैं रिज़ाइन कैसे करना है। तो मेरे को बड़ा धक्का लगा। धीरे से उनसे और बात हुआ तो ही बात करके समझ में आ गया इसमें कोई सार नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी का 20 साल बच गया। तो इसका मतलब है कि जो हम बनना चाहते हैं कम से कम उन लोगों से जाके मिलके पूछो तो सही, तुम बन गए हो, तुम उस लक्ष्य को पा गए हो। तुम्हारा बहुत विनम्रता से पूछना पड़ेगा ताकि आदमी अपना दिल खोल के बता सके, तो हो सकता है आपको कुछ और रास्ता बताएगा। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमको कोई नया इनोवेशन नहीं करना है, हमको अच्छा काम नहीं करना है, बड़ा काम नहीं करना है, खूब बड़ा काम करना है, खूब अच्छा काम करना है, लेकिन ज़िंदगी की कॉस्ट पे करना है कि ज़िंदगी के साथ करना है, वो क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। हाँ जी भैया, ये बात कहाँ हो? हाँ जी, दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे, तो उनका दोनों का जीवन तो अलग ही रहता है, फिर भी एक को कुछ करते हैं तो दूसरों को भी फील होता है, तो वो कैसे हो सकता? बचपन में कुछ थोड़ा बहुत होता है, बाद में नहीं होता। बचपन नहीं, बड़े होने के बाद भी होता है, वो फिर साथ रहने की वजह से कुछ कल्टीवेट हो गया। संवेदना साथ रहने की वजह से कुछ कल्टीवेट हो गया है, अदरवाइज यदि जीवन दो मानव अलग अलग हैं, जीवन अलग अलग है, तो उनका थिंकिंग तो अलग है, वैसा उस तरह का नहीं, साथ रहने से कुछ रिलेट कर लेते। चलिए आगे चले। हेलो जी सर, अभी तक जो समझ आया आज की जो उसमें जो मानव है वो जीवन और शरीर का संयुक्त एक गठन है, जिसमें मैं दुखी सुखी होता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, शरीर सिर्फ अव्यवस्था, शरीर में अव्यवस्था होती है जिसको मैं दर्द के रूप में अनुभव करता हूँ, और मैं जो समझता हूँ, जो जानता हूँ, वो अपनी पात्रता के अनुसार जानता हूँ। मैं जो शरीर में हूँ वो इच्छा गति से, शरीर मेरे भीतर है, मैं इच्छा गति से हूँ, और मैं प्रत्येक सेल के बीच के स्थान में पिरोया हुआ हूँ, और मैं सेल को ऊर्जित भी रखता हूँ, मैं शरीर को चलाता हूँ। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन, अब ये इन्फॉर्मेशन है कि ज्ञान है, ये अपने को डिफरेंशिएट लगातार करते रहे। हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, अब इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे मेरे को उस वास्तविकता को एक्सप्लोर करना है जिसको मैं कह रहा हूँ। तो मेरी भी यात्रा है या आपकी भी यात्रा है? जी बढ़िया। हाँ जी भैया, जब जैसे एक शरीर में एक सूक्ष्म शरीर है, एक मतलब शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर रहता है जिसे हम जैसे आत्मा कह सकते हैं, तो जब एक आत्मा के रहते हुए दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है तो वो एक ही से निबट लो, अभी तो एक से नहीं निबट पा रहे, दूसरी क्यों बुला रहे? नहीं पर ऐसा होता तो है, होता तो है, वो ठीक है, तो एक ही भारी पड़ रही। हाँ जी चलिए, चलिए काफ़ी सारी बात हुई है, तो मेरे को लगता है कि
हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बेसिकली जीने पे बात कर रहे हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, जीना समझ में आएगा, मानव समझ में आएगा तो हमारा पूरा व्यापार बदलेगा, पूरा देश बदले, देश का तरीका बदलेगा, पूरा संविधान बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि सब कुछ तो मानव के लिए है। चलिए, तो देखिए ये कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट ये दिया कि जीना होने के साथ है, होने के साथ मीन्स जो है, जो है उसके साथ जीना होगा कि जो नहीं है उसके साथ जीना होगा, जो है उसके साथ जीना होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है, वाटर, वाटर का मीनिंग का, मानव का वास्तविकता के रूप में वो एग्जिस्टेंस में H2O है। अब H2O बोलने से अब हिलने डुलने वाला नहीं है ना, कहीं का पानी खारा है, मीठा है, ऐसा है, वैसा है, तो कितने प्रकार का, लेकिन H2O बोलने से स्थिर हो गया। बढ़िया, आगे चलें। तो अब यदि हम देखें तो क्या बोलेंगे, समाधान मतलब क्या, समाधान शब्द का मीनिंग क्या हुआ है, समाधान का मतलब क्या, तो बेसिकली जो जैसा है, जो जैसा है उसे वैसा ही जानना, जिसको मानव सुख के रूप में महसूस करता है। समाधान के नाम पे रियलिटी क्या है, समाधान के नाम पे वास्तविकता क्या है, समाधान के मूल में वास्तविकता क्या है, अल्टीमेटली सच्चाई। तो हम उस सच्चाई को चार अवस्थाओं के रूप में पहचानते हैं, जो भी सच्चाई एग्जिस्टेंस में है वो चार अवस्थाओं के रूप में तमाम इकाइयां हैं, है ना, मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़, पौधा, पशु, पक्षी, मानव, इनको हम जैसा है वैसा पहचानते हैं, है ना, उसका नाम समाधान है। ठीक हो गया, यदि समाधान ये है तो भ्रम क्या है, भ्रम क्या है, भ्रम क्या है, जो जैसा है, जो जैसा है उसे अन्यथा मान लेना, अन्यथा मान लेना, जो जैसा है उसे अन्यथा मान लेना, कुछ का कुछ मान लेना, तो ब्रह्म नाम की रियलिटी अस्तित्व में क्या है, है? ब्रह्म नाम की वास्तविकता अस्तित्व में क्या है, है? हाँ जी बोलो भाई, है? ब्रह्म नाम की वास्तविकता अस्तित्व में क्या है,
अस्तित्व में क्या है। जिंदा रहने को जीना मैंने मान लिया, अस्तित्व में कोई वास्तविकता ब्रह्म नाम की क्या है। जो ये भौतिक सुख हम जो एक्चुअली में मानते हैं कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उसे वही ब्रह्म की वास्तविकता है। नहीं, वो तो मैंने मान लिया है, मेरे मानने से कोई चीज बदल जाती है क्या? भाई चांद जैसा है वैसा है, एटम मॉलिक्यूल जैसा है वैसा है, शरीर जैसा है वैसा है। अब मैं कुछ भी मान लूँ, मेरे मानने से वास्तविकता बदल जाती है क्या? नहीं, नहीं बदल जाती। तो ब्रह्म नाम की अस्तित्व में कोई वास्तविकता है क्या? कुत्ता है, घोड़ा है, शेर है, भालू है, चांद है, सितारे हैं, मानव है। ब्रह्म नाम की वास्तविकता क्या है? ब्रह्म के नाम से कोई वास्तविकता है क्या? है? तो ब्रह्म नाम की कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकताएं तो चार अवस्थाएं हैं, वो जैसा है मैंने उसको वैसा नहीं समझा है, कुछ का कुछ मान लिया है, आज गलत मान लिया है कल ठीक कर लेता हूँ। तो ब्रह्म नाम की कोई रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। कितने लोग सहमत हैं इस बात पे? पहुँच रही बात? ब्रह्म नाम की कोई वास्तविकता नहीं है, ठीक। उसी तरह से अच्छा बताओ अंधेरा और छाया में क्या फर्क है? अंधेरा और छाया अलग अलग हैं कि एक ही बात है? अंधेरा और छाया है, छाया का नहीं होना अंधेरा है। हाँ जी, अंधेरा, प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है। ऐसा होता है कि प्रकाश नहीं होता है? जिस अंधेरे में हमको दिखाई नहीं देता है उसी में उल्लू को साफ साफ दिखाई देता है। तो मानव में एक आंख उल्लू का एक मानव का लगा दें तो जब चाहे दिन जब चाहे रात। इसका मतलब अंधेरा क्या है? है लाइट का ना होना। इनको माइक दो। लाइट का ना होने का मतलब है जिस समय में हमको अंधेरा, आजकल तो नाइट वो लेंस क्या बोलते हैं, कैमरा ग्लासेस सब आते हैं ना आजकल, तो इसका मतलब है कि जिस लाइट में हमको नहीं दिखाई देता है उसी लाइट में उल्लू की आंख देखती है। इसका मतलब लाइट है तभी देखती है। इसका मतलब ये हो गया फिर अंधेरा है, फिर अंधेरा और फिर छाया भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। छाया और अंधेरा एक ही बात है कि अलग अलग चीज़ है? सर मुझे लगता है वो इंटेंसिटी की बात है। अगर थोड़ा बहुत लाइट है तो छाया है, बिल्कुल ही नहीं है। ऑल इलेक्ट्रॉन, अंधेरा और छाया एक ही बात है। बड़ी छाया जिसकी बाउंड्री ना दिखाई दे उसका नाम अंधेरा है। जब छाया की बाउंड्री दिखाई देती है, अंधेरे की बाउंड्री दिखाई देती है, उसको छाया बोल देते हैं। इंटेंसिटी की बात है। दूसरी बात यह भी पता चली कि बेसिकली यदि उल्लू की आंख से दिखता है इसका मतलब लाइट तो है। तो जिसको मानव अंधेरा बोलता है वो उसकी आँख के देखने की सीमा है। उधर अंधेरा नहीं है। अंधेरा मेरी सीमा है कि नेचर में अंधेरा है? मेरी सीमा है। उल्लू देखता नहीं है, प्रतिध्वनि से हर चीज को महसूस कर लेता है। वो उड़ता है, सामने क्या चीज आती है उसकी आवाज क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिध्वनि आती है उसके पास। लेंस से देख लेता है। क्यों ऐसा नारा? वो चमगादड़ होती है। कहीं का कहीं भी फिट कर देते हो। तो इसका मतलब है उल्लू तो आंख हमारे जैसा ही रहता है, चमगादड़ की रहती है वो वाली जो आप बता रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली प्रकाश का ना होने जैसा कोई रियलिटी नहीं है।
यदि धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता? यदि धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता? प्रकाश ही प्रकाश होता। तो धरती बीच में आ गई है, इसका नाम छाया है, उसमें उल्लू को भी दिखाई देता है। इसका मतलब ऐसा प्रकाश जो मेरी आँख की सीमा में नहीं आ रहा है, उल्लू की आँख की सीमा में आ रहा है। इसका मतलब प्रकाश का कम होना इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिकली प्रकाश का कम होना तो अंधेरा नाम की कोई वास्तविकता एग्जिस्टेंस में है? अंधेरा नाम की कोई वास्तविकता एग्जिस्टेंस में है? हाँ जी, तो अंधेरा नाम की कोई वास्तविकता एग्जिस्ट नहीं करता है सर। बट ब्लैक होल में तो फोटॉन्स नहीं हो जाते हैं, तो उधर तो अंधेरा एग्जिस्ट करता है ना सर। मैं वही बोलता हूँ, मैं सारी जिंदगी ब्लैक होल में चली गई है, वो कहाँ दिख रहा है ना। तो इसलिए मेरे को ये बहुत सारी बातें अभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ब्लैक होल क्या है, जिंदा रहने को जीना मानना ही ब्लैक होल है। सारी मानवता उसमें घुस गई और पता ही नहीं चला कहाँ गई जिंदगी। फिर बोल रहे हैं कि सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया, ये ब्लैक होल है। भैया, तो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं उसमें तो कम से कम किसी तरह का कोई अंधेरे का अस्तित्व नहीं है। जैसे, हाँ जी, जैसे जैसे एक कमरे में रात को अंधेरा है तो आपसे बोलते हैं कि कमरे से कुर्सियाँ निकाल दो, गद्दे निकाल दो, लोगों को बाहर निकाल दो। फिर आपसे कहा जाए कि अंधेरा निकाल दो, तो आप क्या करते हो? हाँ जी, हाँ जी भैया, कहाँ हो? हाँ, नेगेटिविटी की कोई भी चीज, तुम बहुत जगह बदलते हो यार, कभी कहीं दिखाई देते हो, कभी कहीं दिखाई देते हो। नेगेटिविटी की ऐसा ऐसा माइक देखो, माइक ऐसा रखते हैं है ना, और धीरे धीरे बोलते हैं। नेगेटिविटी की कोई भी चीज की वास्तविकता नहीं होती है। ऐसे तो नेगेटिविटी की कोई भी चीज की वास्तविकता नहीं होगी, दुख की भी नहीं होती है। देखिए तो ठहर जाओ, धीरे धीरे चलते हैं, इतनी जल्दी भी क्या। मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिविटी की भी, कोई भी नेगेटिव चीज हो उसकी वास्तविकता नहीं होगी। सुख की होती है कि नहीं होती? सुख की नेगेटिव चीज कहाँ है? सुख की नेगेटिविटी कहाँ है? नहीं, नेगेटिव कोई सी भी नेगेटिव भाव की कोई वास्तविकता नहीं होगी। हाँ, ये तो ठीक है, ठीक बोल रहे हो। दुख है उसकी भी वास्तविकता नहीं होगी, वो दुख की कम, सुख की कमी ही दुख है। इतने तो समझना है, तुम पहले समझ जाते हो, अच्छी बात है। और मैं समझ गया हूँ। तो ये तो दिख रहा है कि मेरे को ज्यादा दिन शिविर लेना नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि कमरे में अंधेरा है तो कमरे में गद्दा है तो गद्दा निकाल सकते हैं, कैमरा निकाल सकते हैं, लोगों को निकाल सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि अंधेरा निकाल दो तो क्या करते हो? तो लाइट ऑन करते हो। इसका मतलब है कि अंधेरा अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। प्रकाश की कमी का नाम अंधेरा है। अंधेरा अपने में कोई वस्तु नहीं है, वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। तो इतनी सी बात समझने से तो अंधेरा अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये दुख क्या चीज है? दुख क्या चीज है ना? तो इससे ये पता चला कि दुख का मतलब है नियम का विरोध ही दुख है। नियम की समझ ना होना ही दुख है। और अस्तित्व में दुख नाम की चीज क्या है? अस्तित्व में नियम है कि दुख नाम की चीज है? अस्तित्व में तो नियम है। मैं नियम को नहीं समझता हूं, ये मेरी समस्या है।
अस्तित्व में तो नियम ही नियम है। इसका मतलब दुख नाम की भी कोई वास्तविकता नहीं है। दुख नाम की भी कोई वास्तविकता नहीं है इसका मतलब जितनी भी नेगेटिविटी है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अभाव, जो भी कुछ हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। बोलिए, कितने लोग को समझ में आ गया, कौन समझाएगा? ऐसे इतना बड़ा पहाड़ उठाए घूम रहे थे खाली, बेरोजगारी, अब दुख नहीं रहेगा जिंदगी में, रोमांच भी क्या रहेगा, मन भी कैसे लगेगा। हाँ जी, माइक पकड़ो, तभी बात करेंगे। हेलो, पड़ोस में बहुत समझाते हो, इधर सबको समझाओ। हाँ जी, इसका अर्थ ये है कि अस्तित्व में दुख नाम की या अंधेरा नाम की कोई चीज नहीं है। जो भी कुछ है वो हमारे भाव और विचारों का लोचा है। ये समझ आया कि समाधान पूर्वक जीना ही अस्तित्व में है। चारों अवस्थाओं में सिर्फ मानव इसलिए अव्यवस्थित है क्योंकि उसको ये बोध नहीं है, वो स्विच नहीं है उसके पास में जिसको ऑन करके वो प्रकाश कर दे। तो ब्रह्म नाम की कोई वास्तविकता नहीं है, अंधेरा नाम की कोई वास्तविकता नहीं है, दुख नाम की कोई वास्तविकता नहीं है, किसी भी तरह की नेगेटिव चीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बैठिए। थैंक यू। ठीक, बोलिए, कोई कमी है तो बोलिए। सर, जितेंद्र पूछ रहा था कि डबल नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो मैं समझा रहा था नेगेटिव नहीं है, इट इज नॉट नेगेटिव इनटू नेगेटिव, दैट्स व्हाट मैं समझा रहा था। अब सिंगल ही नहीं है, डबल कहां से लाओगे? हाँ, ये भैया। हाँ, अब इसी चीज को उल्टा कर दें कि आपने कहा कि प्रकाश का कम होना अंधेरा है, तो अगर हम कह देंगे अंधेरे का कम होना प्रकाश है, तो उसके लिए स्टेटमेंट ये है कि अस्तित्व को तुम्हारी कल्पना के अनुसार होना है कि तुम्हारी कल्पना को अस्तित्व के अनुसार होना है? नहीं भैया, मुझे जो कहा पहले वो सुनो। अस्तित्व को तुम्हारी कल्पना के अनुसार होना है कि तुम्हारी कल्पना को अस्तित्व के अनुसार होना है? बोलो। मेरी कल्पना को अस्तित्व के अनुसार होना है। बस इसमें आंसर मिल जाएगा। नहीं भैया, अब इसमें एक और कंफ्यूजन है कि जो स्पेस है वो तो पूरा डार्क है। है? स्पेस है ना। हाँ, वो तो पूरा डार्क है। पूरा डार्क है। हाँ, वहाँ पर प्रकाश है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर जो छोटे छोटे सूरज हैं। अभी ठहर जाओ, वही तो प्रकाश। ठहर जाओ। हाँ जी, तो इस चर्चा से क्या निकला, हम क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोले। ये कैसे डिसाइड हुआ कि लाइट होना ही अस्तित्व है या अंधेरा होना अस्तित्व है, प्रकाश होना अस्तित्व है या अंधेरा होना अस्तित्व है, ये कैसे डिसाइड? भाई, हम तो यही देख रहे हैं कि अस्तित्व क्या है। देखो, हमारे सौरमंडल को देखो, सूरज तो 24 घंटे प्रकाशित है ही है, ठीक है? और इसका इतना ही मतलब हुआ, जिसको हम रात बोल रहे हैं तो धरती का सन हमारी धरती के दूसरी तरफ चला गया है, इतना ही मतलब हुआ। धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता, लाइट ही होती। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है, और जिसको हम अंधेरा बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है ना, हम अंधेरा बोल रहे हैं उसका इतना ही मतलब है कि हमारी आंख की देखने की कैपेसिटी से प्रकाश कम है। उसी प्रकाश में उल्लू देख लेता है, या इवन हम तो आदिवासियों के बीच में रहे, जिस अंधेरी रात में हमको दिखाई नहीं देगा, आदिवासी को दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंख की प्रैक्टिस है लाइट बंद तो आंख बंद और लाइट ऑन तो आंख खुली तो लाइट ऑन। तो हमारे रेटिना अलग तरह से सेट है। आदिवासी जिसके लाइट कभी देखा ही नहीं है, उसका रेटिना नेचर के हिसाब से सेट है, तो उसकी देखने की कैपेसिटी अंधेरे में हमसे ज़्यादा है, है ना? आप पिक्चर हॉल में जाते हो, पिक्चर चालू हो गई है, आप आधे घंटे बाद पहुँचे, फिर आप कैसे अंधेरे में ढूंढते जाते हो, और जितने लोग बैठे होते हैं वो देखा आ गया अंधा।
इसलिए पायरेट्स अपनी एक आंख बंद रखते हैं है? पायरेट्स अपनी एक आंख बंद रखते हैं ताकि रात को जब सी अच्छा मेरे को नहीं मालूम मैंने पढ़ा था कहीं पर अच्छा क्या पढ़ा था कि पायरेट्स जो होती हैं अपनी एक आंख बंद रखते हैं ताकि रात को उस वाली आंख से देखते जो बंद रहती है और दिन में उस वाली आंख से देखते जो खुली रहती है तो एक आंख एडजस्ट हो जाती है अंधेरे में देखने के हिसाब से पता नहीं मतलब मैं नहीं जानता इस बारे में ऐसा मैंने कुछ नहीं सुना कुछ और होगा वो समझना पड़ेगा खैर तो इससे हम देखो काम की बात क्या है कि हम ये पहचानना चाहते हैं हम जीना चाहते हैं जीना किसके साथ होगा जो है नहीं उसके साथ जीना कैसे होगा तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कहानी ये है कि छत्तीसगढ़ में एक गाँव है उसमें रोज़ रात को अंधेरा होता है वहाँ रोज रात को अंधेरा होता है हाँ तो गांव के सारे लोग इकट्ठा होके गांव के चारों तरफ अंधेरा टोकरी में भर भर के गांव की सीमा के बाहर फेंकते हैं सारी रात अंधेरा बाहर फेंकते हैं तब जाके सुबह उजाला होता है तो ऐसा वो सदियों से कर रहे हैं रात भर अंधेरा फेंकते हैं फिर दिन भर अपना मजदूरी करते हैं खेत में काम करते हैं अपने बच्चों का पेट भरते हैं तो एक दिन वहाँ कोटा वाली पहुँच गई तो कोटा वाली ने समझाया कि अब तो बहुत साइंटिफिक दिन आ गए हैं और वो बोलते तो समझ गए कि भाई लाइक ऐसे तो मानेंगे नहीं तो बोले पहले हमारे गाँव में भी ऐसा होता था तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसको गांव के सेंटर में 6 फीट नीचे रखने से अपने आप अंधेरा हो जाता उजाला हो जाता है केवल 15 मिनट मेहनत करना पड़ता है तो गांव वालों ने पूछा भी तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करें बोले देखो तुम इतने सारे मैं अकेली मार देना मेरे को तो ऐसी बात पे थोड़ी ऑथेंटिसिटी आई कि हाँ बात कुछ ठीक हो रही है तो बोले क्या करना है बोले सुबह 5:45 बजे आ जाना वो गाँव वाले तो सदियों बाद सोए थे वो सहा के मारे और शौक जोश के मारे भी थोड़ी शंका भी थी पता नहीं फिर 11 घंटे फिर लगेंगे ये इसके बाद झूठ निकल गई तो बोले क्या करना है बोले चालू हो जाओ वो तो 15 मिनट तो पूरा दम लगा दिया 15 मिनट पूरा दम लगा के सबने काम किया तो उजाला हो गया तो पूरा गांव खुशी के मारे है ना तो कोटा वाली को बोले कि अब तो आप हमारे यहाँ ही रहो कोटा वाली पहले से ही कोई ठिकाना ढूंढ ही रही थी तो बढ़िया कोटा वाली सेट हो गई अब वो हफ्ते भर बाद बोली कि अब तुम ऐसा करो देखो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट और डेवलप कर दिया है अब तुमको आना ही नहीं है हर दिन अपने आप उजाला होगा उस दिन के बाद से हर दिन अपने आप उजाला होने लगा और कोटा वाली की जय खीर पूड़ी सेवा सब उपलब्ध गांव वाले बहुत खुश कि देखो हमारी जिंदगी में रोज रात को मेहनत करते थे अब रोज अपने आप दिन निकल आता है जिंदगी कितनी आरामदायक हो गई है हैं तो कैसी है कहानी हैं समझ नहीं आई अभी आएगी ना वो गांव वाले लोग कैसे थे भ्रम में थे है ना बेवकूफ थे भ्रम में थे उनका भ्रम कम से कम 12 घंटे बाद दूर तो होता था यहाँ तो सारी जिंदगी हो गई मेरा गुस्सा कम हो जाए मेरे अंदर की नेगेटिविटी कम हो जाए मेरे परिवार में ये झगड़ा झंझट कम हो जाए अंधेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है हमारी जिंदगी का अंधेरा तमाम असमाम सफलताओं के बावजूद ये भूतकाल की पीड़ा ये वर्तमान से विरोध ये भविष्य की चिंता सारी मेहनत के बावजूद ठीक करने की सारी मेहनत के बावजूद हमारी जिंदगी का अंधेरा बढ़ रहा है कि घट रहा है क्यों बढ़ रहा है हम तो इतनी मेहनत कर रहे क्यों बढ़ रहा है ये अंधेरा तो अंधेरे बढ़ने का एक ही कारण है जो है नहीं हम उससे जूझ रहे हैं क्या नहीं है अंधेरे नाम का कोई अस्तित्व नहीं है दुख नाम का कोई अस्तित्व नहीं है तो जब भी हमारी जिंदगी में दुख आया तो हम दुख को दूर करने के लिए गुस्सा आया तो क्या करना है मंत्र जाप करना है ठंडे पानी में मुँह धो लेना है ना जबकि गुस्सा क्या चीज़ है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है
तो कुल मिला के दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना मेरी अयोग्यता है, मैं योग्य नहीं हूँ, तो गुस्सा ठीक करने के लिए मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही करना है कि मुझको अपनी योग्यता बढ़ानी है ताकि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं, उस परिस्थिति का समाधान मेरे पास हो। समाधान का ना होना ही समस्या है। हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? हम समस्याओं से परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जबकि पहले दिन आपने कहा था कोई धरती पे कोई मानव समस्याओं से परेशान नहीं होता, समाधान का ना होना हमारी परेशानी है। टीचर के पीछे मुंह छुपा के बताया था कि जब किसी को टीचर क्वेश्चन पूछती है तो क्या बोलते हैं, जिनको क्वेश्चन आता है उनके लिए वो अवसर है, जिनको क्वेश्चन नहीं आता उनके लिए वो समस्या है। तो बेसिकली टीचर का क्वेश्चन पूछना समस्या है कि अवसर है? टीचर का क्वेश्चन पूछना घटना है, जिनको क्वेश्चन का उत्तर आता है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, जिनको नहीं आता है उनके लिए समस्या है। तो सांस अपने आप में समस्या है कि अवसर है? बॉस अपने आप में समस्या है कि अवसर है? घटना है। तो जिंदगी में सब कुछ घटना है, घटना की अनवरत श्रृंखला है। मेरे पास समाधान है तो वो अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास समाधान नहीं है तो वो समस्या है। तो एक शिविर 3 से 5 बार कम से कम देखना होता है। तो शांति से अपने घर में बैठ के, वहाँ मैं आपके नियंत्रण में रहूँगा, कॉफ़ी का कप हाथ में लेके जब आप चाहोगे तब बोलूँगा, जब तक आप बोलोगे नहीं बोलोगे चुप रह के वहीं खड़ा रहूँगा। यूट्यूब में क्वेश्चन आंसर फोन उठा के कर लेना, है ना? मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, जो कुछ कहा जा रहा है उसका मीनिंग हमारे चित्त में स्थिर हो जाए उसके लिए कम से कम 3 से 5 बार एक ही शिविर देखा जाए, फिर बाकी शिविर भी देखा जाए, क्योंकि हर व्यक्ति का कहने का एक एंगल होता है, बाकी लोगों के भी एंगल हमको मिलते हैं तो उससे हमको एक संपूर्णता दिखाई देती है। चलिए, तो क्या समझ में आया? तो अपनी ज़िंदगी के दुख दूर करना है, नेगेटिविटी दूर करना है, समस्याएं दूर करना है, तो ना समस्या कोई दो, तो ये सब कार्यक्रम ही गलत है। मेरा गुस्सा कम हो जाए, मेरे अंदर नेगेटिविटी मत आए, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह का विचार मत आए, है ना? ये तमाम काम वही है अंधेरा उलीचने वाला, तो इससे कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। तो इससे ये पता चला कि दुख का एक ही मतलब है कि मेरे पास समाधान नहीं है। तो दुख को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, है ना, केवल समाधान का स्विच ऑन करना है। बात पहुंची? हमारी जिंदगी की बड़ी समस्या इतनी ही है कि जो चीजें है नहीं हम उनसे जूझ रहे हैं। हमारे घर में क्लेश मत हो, मेरे मन में क्लेश मत हो, नेगेटिविटी मत हो, बुरा ख्याल मत आए, है ना, क्रोध मत आए और दूसरे को मत आए, जबकि वो है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है, अंधेरा हटाना है, वैक्यूम पंप लाओ, रस्सी लाओ, बांधो, लोगों को बुलाओ, इसकी ज़रूरत है? इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। लाइट जलाओ, बात खत्म हो गई। तो करना क्या है, कर क्या रहे हैं, इसलिए इतनी थकान है, इसलिए इतने टूटन है। इसलिए शिविर में आए तो क्या बोला, कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई चीज़ मानने के लिए नहीं कहा जाएगा, कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा, है ना? तो इसका मतलब है सच्चाई मानव सुख की तलाश में है ही, उसको सुखी होने का सूत्र समझ में आता है, नियम समझ में आता है, तो जो गैप था वो अपने आप भरने लगता है, नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म होने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश भर में जितना कार्यक्रम चलता है वो क्यों सफल नहीं हो रहा है? हम कार्यक्रम क्या चला रहे, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसको कैसे हटाएंगे? तो क्या बोलेंगे, बेरोजगारी हटाओ,
कि रोजगार लाओ, गरीबी हटाओ कि समृद्धि लाओ, है ना। समृद्धि को लाया जा सकता है, है ना, रोजगार को लाया जा सकता है, जो है नहीं उसको हटाने का कोई काम नहीं हो सकता है। तो ऐसा हम देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में तमाम नेगेटिव शब्दों का जो प्रभाव है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको मेरे से द्वेष है, तो आपका जवाब क्या हो सकता है? बहुत शिष्टाचार से बोलोगे तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना होगा। और थोड़े से और कड़क भाषा में हो गए तो आप बोल सकते हो ये आपकी प्रॉब्लम है। जबकि सच्चाई क्या है? द्वेष नहीं है, आपको मेरे से द्वेष हो गया है कि हमारे आपके बीच में स्नेह कम हुआ है। स्नेह सच्चाई है कि द्वेष सच्चाई है? जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे तो ठीक करोगे, कैसे तो हटाओगे, कैसे तो उसको निकालोगे? तो सच्चाई ये है कि हमारे आपके बीच में स्नेह कम हुआ है। द्वेष नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ईर्ष्या द्वेष नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, किसी भी तरह का नेगेटिव कोई शब्द का रियलिटी कोई नहीं है हमारे पास। बढ़िया। तो मानव के पास तीन तरह के शब्द हैं। एक तरह के शब्द वो हैं जो किसी रियलिटी को इंगित करते हैं, किसी रियलिटी की ओर इशारा करते हैं, एक तरह के शब्द वो हैं। दूसरे जैसे मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, सूरज, धरती, चांद, सितारे, मानव, ये सब क्या है? ये वास्तविकता को इंगित करने वाले शब्द हैं। फिर और दूसरे शब्द हैं, है ना, जो कि वास्तविकता को इंगित नहीं करते हैं, जैसे बस जाती है, ट्रक आता है, इसका मतलब बस का हस्बैंड ट्रक होता है। नदी बहती है, नाला बहता है, तो नदी का हस्बैंड नाला होता है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हिंदी का प्रॉब्लम है। हिंदी में दो ही लिंग हैं, नेचर में तीन लिंग हैं, या दो लिंग हैं और एक में कोई लिंग नहीं होता है। तो जिसमें लिंग नहीं है, अब ये हिंदी की प्रॉब्लम है कि उसमें या तो मूछ लगानी पड़ती है या लिपस्टिक लगानी पड़ती है। हेलो हेलो है। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जिन चीज़ों को, जिन चीज़ों का कोई लिंग नहीं है, पदार्थ अवस्था का कोई लिंग नहीं है, तो पदार्थ अवस्था में हमको लिंग लगाना पड़ता है, है ना, और टीचर मार्क्स काट देती है। जो लोग हिंदी के परिवेश में पलते हैं उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। जो लोग साउथ इंडिया से आके हिंदी सीखते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज से हिंदी सीखते हैं, उनको ज़िंदगी भर समझ में नहीं आता है कि बस आता है कि बस आती है। तो कम से कम टीचर को इतनी समझ में आ जाए कि बस आती भी है और आता भी है। हमारे यहाँ हम लोग बचपन में जब हम छोटे थे तो हम लोग सारे साउथ इंडियन को मद्रासी बोलते थे। सारे साउथ इंडियन मतलब मद्रासी। तो हमारे घर में दिल्ली में एक मद्रासी पेयर रहता था, तो उसका उसकी वाइफ बोलती थी मेरा हस्बैंड आती है, उसके बाद भी वो आ ही जाता था। तो ये समझ में आया कि ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, है ना। तो मैं ऐसे शिविर कर रहा था तो उसमें एक बिहारी था। बिहारी बोला सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, नदी बहेला नाला भी बहेला। तो उधर लिंग नहीं लगाते ऐसा। अब कुछ शब्द और हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, है? हाथ उठाओ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हाथ उठाओ। अरे यार किताब में लिखा है भाई, है? है? सन तो स्टेबल है, तो सन राइजेज सनराइज नहीं करता है, एक झूठ। इट राइजेज इन द ईस्ट, तो सन निकलता है, पहले ईस्ट ढूंढता है फिर उधर से निकल जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ में दो झूठ,
ऐसी हमारी हालत। तो इसका मतलब है कि भाषा क्या है? भाषा वो है जो भाव को व्यक्त कर दे, भाव वो है जो भव को व्यक्त कर दे, दो जो भव को व्यक्त कर दे उसका नाम भाषा है। वो कहाँ गए आज दिल्ली वाले? दिल्ली वाले नहीं दिख रहे हैं आज टीचर? कई लोग बीच बीच में नींद मार लेते हैं। हाँ जी, तो समझ में आया क्या बात चल रही थी? भाषा। तो भाषा जो भाव को व्यक्त कर दे, इसका मतलब है कि अस्तित्व में ना तो सनराइज करता है ना वो ईस्ट में राइज करता है। जिधर सन, जिधर हमको सन दिखाई देता है उसको हम ईस्ट बोलते हैं। अच्छा फिर बताओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रियलिटी है कि नहीं है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रियलिटी है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाथ उठाओ। भाई ये तो देखो, ये बेईमानी है, ऐसे तो सभा नहीं चलेगी। अब आप कोई चीज को मानते हो फिर भी हाथ नहीं उठाते हो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रियलिटी है कि नहीं है? है तो हाथ उठाओ। ईस्ट वेस्ट, अच्छा फुट मीटर ये रियलिटी है कि नहीं है? नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार के शब्द हैं। इसका मत, अच्छा बताओ टाइम रियलिटी है कि नहीं है? टाइम तो रियलिटी है। हाँ भाई पढ़ने वाले लोगों, टाइम रियलिटी है कि नहीं? टाइम तो रियलिटी है कि नहीं? अब तो हाथ उठाओ। सर नहीं है, है? नहीं है। टाइम रियलिटी नहीं है? सर सर ऐसे तो अभी बच्चे फेल हो जाएंगे एग्जाम में सर। अरे जिंदगी में पास हो जाएंगे, पर एग्जाम में फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जिंदगी क्या क्या ठीक है, एग्जाम में पास हो जाए जिंदगी में फेल हो जाए, कि जिंदगी में पास हो जाए एग्जाम में फेल हो जाए? तो भैया कौन सा चलेगा? जिंदा रहेंगे तभी तो जिएंगे ना, आप तो रोजी रोटी का। अरे सारे बेरोजगार पढ़े लिखे ही हैं, कोई भी अशिक्षित आदमी दुनिया में बेरोजगार मिलेगा ही नहीं। पर भैया कन्फ्यूजन तो कर रहे हो आप, है कन्फ्यूजन तो हो रहा है। कन्फ्यूजन, मैं कन्फ्यूजन हो रहा है कि कन्फ्यूज थे आपको पता भी नहीं था? पर लिखेंगे तो वही ना सर, बच्चे कॉपी में ये लिख के आ जाएंगे सन नॉट राइजेस इन द ईस्ट। अरे ये बताओ मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा हूँ कि आप कन्फ्यूज थे आपको पता भी नहीं था? आप जैसे वहाँ एग्जाम में प्रकाश का अपोजिट पूछा तो आपने तो बोल दिया अंधेरा होता ही नहीं है। अच्छा ये और झंझट है, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड है ना, अपोजिट वर्ड में क्या क्या वर्ड मतलब आते हैं? उसमें सिखाते हैं, सिलेबस में है। तो अपोजिट होता है कुछ दुनिया में, पर उसमें तो सिखा ही रहे हैं। विलोम शब्द, दिन का उल्टा रात, दिन का रात उल्टा होता है कि दिन का पूरक रात होता है? तो विलोम जैसी कोई चीज नेचर में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए हमारी संसद में ज्योत पत्रम शेष मध्यम होता है, क्योंकि हमने पक्ष और विपक्ष बनाया है, जबकि वो पक्ष और विपक्ष नहीं है, वो पक्ष और पूरक पक्ष है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें कि एक दूसरे का विरोध करें? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो देश चले, है ना? तो इसका मतलब है विलोम शब्द जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि नेचर में कोई भी विलोम नहीं होता है, विरोधी नहीं होता है। भैया सारा ही उखाड़ना पड़ेगा ये रूट से ही, इसलिए तो आदमी उखड़ा हुआ है। नहीं मतलब पूरा एजुकेशन सिस्टम ही रूटेड निकालना से उखाड़ दो बाकी उखड़ जाए। कोटा ही है सारी जड़, पैदा होते ही कोटा में आ रहा है बच्चा, पैदा होते ही कोटा में और क्या, आ रहा है। तो ऐसे हो गया ना, अरे अब तो क्लास 6 से शुरू हो जाता है वो। हाँ है तो वो, अब तो दिल्ली में कहाँ स्कूल खुले हैं, आप केवल पैदा कर दो और बाकी उनको दे दो और 10 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज कर लो और लिख के दे दो क्या बनाना है, इंजीनियर बनाना है क्या बनाना है, लिख के दे दो कॉन्ट्रैक्ट पूरा। तो हटा दो, मैं तो एग्री हूँ। चलो टाइम है, है? सर टाइम की जो बात हो रही है, हाँ तो इसमें सर दो चीजें हैं। एक तो टाइम का फ्लो को हम फील करते हैं, मतलब फील एक्चुअली भाव में हम फील करते हैं कि टाइम फ्लो हुआ है,
बट अगर टाइम जैसा देखेंगे हम इंजीनियरिंग में ये देखते हैं कि टी इक्वल टू टी नॉट से लेकर टी इक्वल टू टी तक. देखो मैं तो टी जीरो कुछ भी नहीं समझता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ नेचर है. सारी पढ़ाई इस बात के लिए है कि आदमी को डायरेक्टली नेचर पढ़ना आ जाए. ये बात सही है. मानव के बारे जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका इतना ही मतलब है कि डायरेक्टली ज़िंदगी पढ़ना आ जाए, और डायरेक्टली ज़िंदगी पढ़ना आ जाए और ज़िंदगी सफल हो जाए, ये उसका प्रमाण है. सीधी सीधी बात करेंगे. अब देखो, अब पहले बताओ कि फुट मीटर ये रियलिटी है कि नहीं है? नहीं है. तो क्या चीज़ है ये? रियलिटी के साथ जीने के लिए हमने मेजरमेंट्स बनाए हैं. ये क्लियर हो गया? एक बात क्लियर हो गई. तो जितना भी मेजरमेंट है, कैंडला और क्या, फुट मीटर है ना, जितना भी है मेजरमेंट, वो सारा का सारा कुल मिला के अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है. फुट नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, है ना. धरती लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसको नापने का मेजरमेंट है. उसी तरह से टाइम की डेफिनेशन है, क्रिया की अवधि काल है. क्रिया क्या है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है और जीवन क्रिया है. जीवन क्रिया अपने आप में निरंतर है. जो चीज़ निरंतर है उसके अवधि को नापने की कोई गुंजाइश नहीं है. अवधि का मतलब ड्यूरेशन. क्रिया की अवधि, क्रिया की अवधि का मतलब है सन हमको सुबह दिखाई देता है और शाम को नहीं दिखाई देता है. जब कोई चीज़ में दिखाई देता है और नहीं दिखाई देता है, परिवर्तन आता है, तो परिवर्तन को हम मेज़र कर सकते हैं. अब यदि हम कहें कि अब यदि जब मैं जीवन के बारे बात कर रहा हूँ, तो जीवन ऐसी चीज़ हो गई जो हमेशा है, इसलिए वहाँ पे काल को गिनना मुश्किल हो गया हमारे लिए. तो इसका मतलब है कि सन सुबह दिखाई देता है, शाम को नहीं दिखाई देता है, तो ये ड्यूरेशन को हम एक काल बोलते हैं. जैसे आपकी उम्र कितनी है? एक मिनट, आपकी उम्र कितनी है? 29 सर. 29. तो मैं 29 ईयर बोलने की बजाय मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी उम्र का मतलब है कि 29 टाइम धरती सूरज का चक्कर लगा चुकी है. इतना बोलना काफ़ी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम अपने आप में कोई रियलिटी नहीं है. एग्जिस्टेंस में पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है, ज्ञान अवस्था है. और ज्ञान अवस्था को बाकी तो किसी को टाइम की ज़रूरत नहीं है. पेड़ पौधे को तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं है. तो मानव ने इन क्रियाओं के साथ, भौतिक क्रियाओं के साथ और रासायनिक क्रियाओं के साथ जीने के लिए जो माप है, जो मेजरमेंट है, उसका नाम टाइम है. क्रिया निरंतर है, क्रिया निरंतर है एग्जिस्टेंस में. तो सन तो लगातार अपना जो काम करना है कर रहा है, धरती अपना काम कर रही है ना, पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, नए शरीर बन रहे हैं. क्रिया निरंतर है. इन क्रियाओं को, जो क्रियाओं में जो चेंज आता है, उस ड्यूरेशन को पहचानने के लिए हमने एक माप बनाई है. फुट मीटर की तरह टाइम भी एक माप है. टाइम नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. अगेन फॉर क्लैरिटी, फुट मीटर, दीज आर देयर टू मेजर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो फुट इज डिफरेंट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज डिफरेंट. आवर्स, सेकेंड्स, ईयर्स, दीज आर ऑल देयर टू मेजर टाइम. सो इफ यू से, you are not only saying measurement doesn't exist, you are also saying time doesn't exist. So that means dimensions also doesn't exist. Bilkul. But somewhere space has to be located na sir, space is located in. Karenge na, space kal khulega tab dekhenge usko. Abhi ke liye itna batao ki jisko hum time bol rahe the wo kya nikla. Bhai hum time ko itna hi to hua ki jab se aap paida hue ho tab to dharti ne 29 baar 27 baar chakkar lagaye hain. Aisa bolne mein kya dikkat hai? Kriya to ho hi rahi hai. तो बेसिकली इसी क्रिया को हमने दूसरा एंगल दे दिया कि भाई ये इसको इतने ईयर्स बोलेंगे. सर, वो तो ठीक है सर, मतलब ठीक हो गया. तो इसका मतलब है कि टाइम अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है. जिस तरह से फुट और मीटर कोई वास्तविकता नहीं है, क्रिया वास्तविकता है. और क्रिया में भी भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जो तीसरी क्रिया जिसको जीवन क्रिया बोल रहे हैं वो तो निरंतर है, इसलिए वहाँ पर टाइम अमर हो जाता है, काल वर्तमान हो जाता है, है ना. और टाइम का फिर तीसरा यदि और डायमेंशन देखेंगे तो भूत और भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि भूत केवल मेमोरी में है, भविष्य केवल अनुमान है. भूत केवल मेमोरी में है, भूत नाम की कोई घटना एग्जिस्टेंस में नहीं घटती. भूत नाम की, भूतकाल नाम की कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. क्रिया निरंतर है. धरती लगातार सूरज के चक्कर लगा रही है ना. पेड़ पौधे उग रहे हैं,
चेंजेस आ रहे हैं, शरीर पैदा हो रहे हैं, जवान बूढ़े होके मर रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, ये घटना है, ये लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिया है भौतिक और रासायनिक क्रिया को ही मेजर कर सकते हैं, ये जो जीवन नाम की निरंतर क्रिया है, यदि सन 12 बजे जहाँ दिखाई देता है परमानेंटली यहीं खड़ा हो जाए तो क्या होगा, फिर टाइम कैसे मेजर करोगे, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है वहाँ, अब वहाँ कुछ नहीं कर सकते। टाइम मेजर तभी कर सकते हैं वो एक जगह दिखाई देता है फिर घूमता हुआ यहाँ पहुँचता है और फिर नहीं दिखाई देता है, तो जब तक वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है या उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तब तक हम उसमें उसको नोटिस नहीं कर सकते। इसलिए काल वर्तमान हो गया, भूत केवल स्मृति में है, भविष्य केवल अनुमान में है, मेरा जीना तो वर्तमान में है। सर हाँ जी, एजुकेशन में यही रहा है एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है ना कि एजुकेशन ने कभी हमसे कहा हो कि टाइम कोई एक चीज है या मीटर। अरे एकदम ठोस चीज है टाइम, आप क्या बोल रहे हो, टाइम पे कितनी किताबें उठ के पढ़ोगे तो आपको ये क्लैरिटी नहीं आती है। टाइम बिल्कुल एक डायमेंशन है, टाइम बिल्कुल एक ऐसा उसको मान के और ऐसा हमको लगता है कि सच्चाई है। तो क्या हुआ, तीन तरह के शब्द हैं, एक तरह के शब्द वो हैं, तीन तरह के शब्द वो हैं, एक तरह के शब्द किसी वास्तविकता को इंगित करते हैं, दूसरे शब्द किसी माप को इंगित करते हैं, तीसरे शब्द शुद्ध रूप से भ्रम है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जितना भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये सारी वास्तविकताएं हैं। माप का मतलब मीटर, सेकंड, कैंडला और ये और वो, जितने भी प्रकार के टाइम, ये सब भौतिक क्रिया वास्तविकता के साथ जीने के लिए हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं ताकि हम उनके साथ में जी पड़े। तीसरे प्रकार के शब्द भ्रम है, दुख, अंधेरा, नेगेटिविटी है ना, जितने भी शब्द हैं इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने भी प्रकार के नेगेटिव शब्द हैं इनका कोई, क्योंकि अस्तित्व में कोई चीज़ नेगेटिव है ही नहीं, वहाँ केवल होना है और नियम है और रियलिटी है। सर जो जो रिलेटिविटी की थ्योरीज हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और टाइम को जब उसके उसमें एस्पेक्ट में देखते हैं कि टाइम में वापस जाने को बोलते हैं कि आपका स्पीड इतना तेज होता है कि आप कोई चीज़ का फॉर्मूला डिज़ाइन करते हैं, फॉर्मूला डिज़ाइन करके उसके पैरामीटर्स बदलना शुरू करते हैं और कल्पना को रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वहाँ कोई ऐसी रियलिटी है नहीं, आपकी इक्वेशन बोल रही है, नेचर में नहीं है वो। और हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि इक्वेशन बोल रही है कि नेचर बोल रहा है। किसी फिनोमिना को समझने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन के पैरामीटर्स बदलते जाते हैं और वो इक्वेशन वो रिजल्ट देने लगती है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, और हम उसको रियलिटी मानने लगते हैं क्योंकि इक्वेशन बोल रही है। इक्वेशन शुरू रियलिटी को समझने से हुआ था, लेकिन इक्वेशन ने वहां पहुंचा दिया है जहां रियलिटी नहीं है। दो चीज़ें हैं सर कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या ओवरऑल जो अंडरस्टैंड जो अभी तक हम डिकोड कर पाए हैं जब पहले आज भी सेशन बात हुआ था, और कुछ हैं जो हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, राइट, जो ह्यूमन अभी शायद आगे कभी डिकोड कर ले या शायद ना कर पाए या पता नहीं कब करेगा, बट ये क्लैरिटी है कि कुछ चीज़ें हमने डिकोड कर ली हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं डिकोड, राइट। तो जब हम टाइम को या इन सब कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं तो उनको भी तो उन्हीं लाइट्स में देख सकते हैं ना, कि हमने जो चीज़ डिकोड कर ली उसको माप में डाल दिया है। अभी आप खूब आराम से, कोई इतना बड़ा रहस्य क्यों, कि हमको जिस तरह से चीज़ें दी गई हैं उसमें वो उसमें अच्छा देखो बहुत और अच्छा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा बताओ 1, 2, 3, 4 रियलिटी है कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 रियलिटी है कि नहीं है। अगेन वो काउंट करने का एक वो माप है, वो रियलिटी नहीं है बट माप है, वो मतलब एक तरीके का मेजरमेंट है टू एक्सप्लेन समथिंग विच एग्जिस्ट। तो इसका मतलब समझ में आ गया, अंकगणित पूरा कल्पना है, उसका रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है। इसका जिंदगी में फर्क कैसे पड़ता है, आपको कितनी भौतिक वस्तु की जरूरत है, कितना खाओगे निश्चित है, मकान कितना बड़ा चाहिए निश्चित है, पैसा कितना चाहिए अनलिमिटेड, जबकि पैसे से आप वस्तु खरीदोगे। जब भी आप आदमी से वस्तु पूछोगे कि वस्तु कितनी चाहिए तो उसकी संख्या निश्चित है, जब भी पैसा पूछोगे कि कितना चाहिए वो हमेशा अनलिमिटेड है,
क्यों अनलिमिटेड है? क्योंकि पैसा अपने आप में कल्पना है, वो नंबर्स है, नंबर्स इमेजिनेशन है, वो अपने आप में गर्म हवा है, वो रियलिटी नहीं है। तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जीना रियलिटी के साथ होता है कि जीना कल्पना के साथ होता है। और हमारी सारी एजुकेशन और तमाम गेम्स हमको हमारी कल्पनाशीलता को रियलिटी के पास लाते हैं कि रियलिटी से दूर ले जाते हैं। सारे गेम्स, सारे फिक्शिशियस, वो डोरेमोन, वो है क्या बोला, डोरेमोन, वो क्या होता है, वो कार्टून, कार्टून, वो डोरेमोन हो गया, वो तमाम फिक्शिशियस नॉवल हो गए, और तमाम हैरी पॉटर, और तमाम पूरी दुनिया, और सूरज की चांद से लड़ाई हो गई, और हवा की सूरज से लड़ाई हो गई, और कुत्ते ने उससे ये बोला। हमारे पंचतंत्र में पशु आपस में बात करते हैं जबकि पशु बात नहीं करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारी बीएड के सारे निष्कर्ष पशुओं पे किए गए निष्कर्ष हैं जो हम आदमी पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा देखने जाएंगे तो हमारी क्लैरिटी ये बनती है कि हमारी दुनिया, जीने की दुनिया कहीं और है और हम घुस कहीं और गए हैं। जो चीज़ वास्तविकता नहीं है हम उनको वास्तविकता मान के जी रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। जो चीज़ें हैं नहीं उनको हम वास्तविकता मान के जी रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अंक पूरा पूरा नंबर सिस्टम एक इमेजिनेशन है, लेकिन हम उसको रियलिटी मानते हैं। तो भैया अगर इसको ना नोट से... अच्छा बताओ, नोट तो वास्तविकता है, पैसा, पैसा? हाँ। ये तो वास्तविकता है, नहीं है कि नहीं? अब कुछ भी नहीं है, अब तो सब खत्म। आपने 1, 2, 3, 4 सारा मैथ्स खत्म कर दिया। मतलब इसका लाइफ से अगर कनेक्ट करें तो अगर ये सब चीजें हम दिमाग में सेट कर लें जैसा आप समझा रहे हो तो बहुत सारा दुख का सिलेबस तो खत्म ही हो गया। अरे जिंदगी बहुत आसान काम है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जिंदगी सिंपल, हम मानव के अलावा हाथी शाकाहारी इतना खाता है, कभी खेती करता नहीं, कभी भूख से मरा नहीं। हम इतना सा खाते हैं और इतनी टेंशन में रहते हैं, इतनी स्ट्रगल में दिखाई देते हैं, और क्रिएटिविटी जीरो है ना। हमारी प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं? मैं तो आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन मेरे भीतर बहुत फंडामेंटल रहा। इतनी बड़ी संस्थाएं, इतनी बड़ी सरकारें, इतने सारे धर्म, इतने सारे लोग, इतनी सारी मेहनत, और प्रॉब्लम बढ़ रही, कहाँ गई भी सबकी मेहनत, क्या कर रहे? तो मैं बार बार अपने आप से पूछता था, इसलिए जब आपने पूछा कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाऊँगा तो मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम यदि सबको एक मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ है? इसलिए मैंने कहा था वो गांव के लोग पगले थे, उनका तो 12 घंटे में तो उजाला हो गया, यहाँ तो सारी जिंदगी मेहनत करके अंधेरा बढ़ रहा है। और किन लोगों का बढ़ रहा है? जो अपने आप में बहुत पढ़े लिखे, सुलझे है ना, और बहुत उपलब्धि पाए हुए लोग। इसका मतलब है, इतना ही समझना है कि जीना रियलिटी के साथ है, इमेजिनेशन के साथ जीना नहीं होता है। हमारी पूरी एजुकेशन का पर्पस क्या हो? वो मेरे को रियलिटी से परिचय करा दे कि रियलिटी से दूर लेके जाए। हमारा सारा एजुकेशन, सारा कार्यक्रम रियलिटी से दूर ले जाने का है। कहीं से भी कुछ भी पकड़ लो, कोई और छोर पकड़ में आता ही नहीं है। भगवान ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कहाँ बैठा है भाई? कहाँ परमाणु बना रहा है बैठ के? कहाँ सप्लाई करता है? कुछ भी चल रहा है सर। हाँ सर, फिर अब एजुकेशन सिस्टम में सर क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए और उन सब्जेक्ट से क्या क्या लेसन्स के नाम होने भी क्या जल्दी है? कुछ तो मेहनत करोगे। नहीं सर, सब्जेक्ट ढूंढो, तुम भी तो कुछ करोगे, सारा मेरे से कराओगे, करो मेहनत, है ना। अब ये समझ लो कि एक रास्ता दिखाई दिया है जहाँ बिल्कुल जिंदगी से आमना सामना हुआ है, वास्तविकता से आमना सामना हुआ है। इसमें जम के मेहनत किया जाए, जम के समझा जाए, उसको प्रयोग करके देखा जाए, है ना। ठीक लगता है तो आगे चीज़ें बिल्डअप किया जाए, जितनी मेहनत हुई है उसको देख लिया जाए। सब आपने तो इस बात से नई पीढ़ी को हतोत्साहित कर दिया है,
आपने इस ज्ञान से नई पीढ़ी को तो हतोत्साहित कर दिया कि कुछ नहीं हो। अच्छे शब्द भी हैं प्रयोग करने के लिए, आप ये भी कह सकते थे आपने नई पीढ़ी के भ्रम को उनके सामने ला दिया, जिंदगी को सामने ला दिया। वो बात भी सही है लेकिन उसका बात यही सही है। वो बात है कि आधी बोतल भरी हुई है, आधी खाली नहीं होगी। बस सच्चाई ये बोतल कभी खाली होती नहीं है, वो हमेशा भरी हुई होती है। या तो पानी होता है नहीं तो हवा होती है। एज ए युवा पर्सन मैं कहना चाहूंगा कि मैं प्रोत्साहित ही हुआ हूँ कुछ ना कुछ काम अच्छा करने के लिए, और उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे हो सकता है। तो आप बिल्कुल गलत है सर। है क्या बोल दिया आप? मतलब ये पूरा ये मतलब ये सही नहीं है उन्होंने जो बोला। उन्होंने जो बोला वो सही नहीं, वो तो मेरे को पता है। हाँ जी बोलिए, इस सारी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? इस सारी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? बोलिए सर। सबसे बड़ा निष्कर्ष मेरे लिए तो यही रहा कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी नहीं है, ऐसा करके अगर हम उसको सोचें तो वो ज़्यादा समझ में आता है। और ये ज़्यादा उदार वे है जीने का, तो सबसे बड़ी यही रही मेरे लिए निष्कर्ष। हाँ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हम ये कर सकते हैं कि अपनी भाषा में जो नेगेटिव शब्दों का प्रयोग हो रहा है उनको उठा के पहले बाजू में किया जाए। एक बार एक दिन कोशिश करें, सुबह से शाम तक हम कोई नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे अपनी भाषा में। ऐसा प्रयोग करके देखो सुबह से शाम तक। यदि एग्जिस्टेंस में कुछ भी नेगेटिव नहीं है तो मेरी भाषा सकारात्मक हो, मेरी भाषा रियलिटी की भाषा हो, है ना? तो एक दिन सुबह से शाम तक अपनी पूरी भाषा को केवल रियलिटी की भाषा के रूप में प्रयोग करके देखा जाए तो देखेंगे कि भाषा कितनी एम्पावरिंग हो सकती है और कितनी क्लियर पिक्चर देने वाली हो सकती है और उसका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग हो सकता है। मतलब अभी तक तो सारा कुछ जो काम चल रहा था वो इसी पे था कि नेगेटिविटी कम करना है, पॉजिटिविटी बढ़ाना है, दुख हाँ। को कम करना है, लेकिन ये कंसेप्ट ज़्यादा पावरफुल है कि ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं है। जो है ही नहीं उसको क्या कम करोगे आप? हाँ तो मुझे तो लगता है 90% तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉर्ट आउट, काम ही खत्म हो गया। काम ही खत्म हो गया तो ना गुस्सा कम करना है। आप एक बाटली पीते हो, दो बाटली पियो, ठीक है, क्या रोकना, क्या इसमें इतना करने का काम है यार। एक बार दो चार बाल्टी पी के ही देख लो, है ना, पता ही चल जाएगा इसमें क्या है। तो जितना हमने चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश की है, उतना आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब है सच्चाई सामने आ जाए उसके बाद करो जो करना है। तो अब बच्चों को ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है देखो ये मत करो, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सच्चाई सामने आने की ज़रूरत है कि क्या ठीक है। सुखी होने का तरीका ये है, आगे तुम्हारी मर्जी है, जाओ घूम के आ जाओ। तो एक बार सच्चाई सामने आ जाए, वास्तविकता सामने आ जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान है। हम अपने बच्चों पे भरोसा कर पाएंगे, अपने आप पे भरोसा कर पाएंगे, है ना। आदमी के इवॉल्व होने की प्रक्रिया में सहयोगी होंगे, दूसरे के विकास में सहयोगी होना अपने आप में जीना है। तो इसका मतलब है कि फिर गलतियों से डरे हुए हो के बार बार गलतियां ना हो जाएं, इसकी बजाय सही को समझने के लिए जितना दम लगाया जाए तो दूसरे को चलाना है कि हमको चलना है, दूसरे को नियंत्रित करना है कि हमको नियंत्रित होना है, दूसरे पे शासन करना है कि स्वानुशासित होना है, है ना, जीना है कि जिंदा रहना है। ऐसा हमारा ध्यान जाएगा तो हमारी ऊर्जा का अंतर्नियोजन होगा, हम जिंदगी को समझेंगे, बहुत आराम से जिएंगे और बहुत प्रोडक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। नहीं सर, अभी तो सारी एनर्जी इन्हीं सब में उलझी रहती है। हम जूझ रहे हैं अपने में और अपनों से, स्ट्रगल में सारी ऊर्जा निकल रही। सही गलत का कोई सार्वभौम आधार नहीं है, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो घर में पिताजी बड़े हैं इसलिए मेरी मानो, ऑफिस में बॉस बड़ा है इसलिए मेरी मानो, सही गलत का आधार ना बॉस के पास है ना पिताजी के पास।
इधर घर में जूझ रहे हैं, उधर ऑफिस में जूझ रहे हैं। बढ़िया, शानदार, चलो हो गया काम। तो इस चर्चा में ये निकला कि जब तक हम पहले होने को नहीं पहचानेंगे तब तक जीना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीना तो होने के साथ है, जीना तो है के साथ है, जो है ही नहीं उसके साथ क्या जिएंगे। भय का कोई अस्तित्व नहीं है, अनिश्चितता का अस्तित्व नहीं है, नेगेटिविटी का अस्तित्व नहीं है, अपमान का अस्तित्व नहीं है, जितने भी नेगेटिव शब्द हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सम्मान का अस्तित्व, सम्मान की निरंतरता है, स्नेह की निरंतरता है, विश्वास की निरंतरता है ना, जो है उसकी पहचान है कि उसकी निरंतरता है, जो नहीं है उसकी कोई नहीं। हम पहली बार शिविर करके गए और घर में पत्नी तो होती है जिसको समझाया जा सकता है, वो बाकी तो भाग जाते हैं, पत्नी कम से कम माने नहीं माने सुनेगी तो सही। तो हमने घर में जाके पत्नी को समझाया, मैं देखो अंधेरे का अस्तित्व नहीं है, अब पत्नी तो पत्नी होती है, 8 बज रहे थे, उठी लाइट बंद कर दी, है कि नहीं है, बहुत मुश्किल, अब अटक गया गले में, लगा यार मैं ठीक तो बोल रहा हूँ पर इसने तो मेरा तर्क काट दिया पूरा, 2-4 बातें बोली नहीं मानी। तो उसी समय एक नई बिजली चमकी, इतने साल पहले चमकी थी आज तक याद है। तो मैंने कहा देखो लाइट का स्रोत कोई ना कोई सोर्स होता है, जुगनू होता है, चांद होता है, सूरज होता है, सितारे होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, कोई एक सोर्स बताओ जिससे अंधेरा निकलता हो। ऐसा हमारा सामने वाला गायब, ठीक, जिसका कोई स्रोत नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। जाओ खाना ले आओ। जीने का मजा अलग है। घर में ऐसी चर्चा होती रहे, कोई हंसी मजाक होता रहे, कोई बात भी समझ में आती रहे, अपने में खुश रहते हैं तो नया नया चुटकुला याद आते रहता है, अपने में उदास हैं जिंदगी के, वो सांप मेरे से आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, मेरा क्या होगा, मेरे सीक्रेट क्या है? चलिए धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।